a platform to sharing your thoughts. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। सिटी लाइव के शब्द संसार कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। शब्द संसार दिल से एक ऐसा कार्यक्रम है जो युवाओं को, जो गीतकारों को पाठकों से मिलवाता है, एक ऐसा मंच प्रदान करता है जो गीतकारों की रचनाएं जो है वो पाठकों तक पहुंचाता है। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं जितेंद्र सारस्वत। जिंदगी एक ऐसे मुहाने पर खड़ी है दोस्तों, जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है दोस्तों, जहां पर आगे क्या होगा उसे देखना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बात यह है कि जिंदगी का मतलब ही मुसलसल चलते रहना है। मिराज फैजाबादी ने कहा कि मेरे शानों से ये बोझ उतर तो गया, मेरे शानों से ये बोझ उतर तो गया, बड़ा तवील था ये दिन मगर गुजर तो गया। तो आप यकीन रखिए, हर काली रात के बाद में एक सवेरे का आना यकीनन बहुत बहुत निश्चित है। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहिए। आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं राकेश राय जी, उत्तर प्रदेश से हैं और अभी गुजरात में कार्यरत हैं, और शायद ही ऐसा कोई जेनर होगा जिसमें इन्होंने न लिखा हो, गजल हो, कविता हो, व्यंग हो, लेख हो, एक गीतकार, एक रचनाकार के तौर पर हम आज राकेश राय जी के भरोसे नज़्में, गजलें बहुत कुछ सुनेंगे। राकेश राय जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। शब्द संसार दिल से कार्यक्रम में आप सबको प्रणाम करता हूँ, शब्द संसार के सारे श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी आपका। जी जितेंद्र जी, तो राकेश जी, हाँ जी सर। जी जितेंद्र जी, आपको स्पेशल प्रणाम कि आज आपने मुझे बुलाया आपके इस कार्यक्रम में। आपके सारे श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। आज के वर्तमान परिवेश में जबकि कोरोना लॉकडाउन है और सब लोग अपने अपने घरों में हैं, तो मैं भी अपने घर में ही हूँ। बस एक ही बात आप सबको बताना चाहता हूँ कि कुछ भी हो जाए, हमें अपने धैर्य को नहीं छोड़ना है, क्योंकि जैसे हर रात के बाद सुबह का होना एकदम निश्चित है, वैसे ही किसी भी समस्या के बाद में उसका समाधान भी होता है। बिल्कुल सर। यहीं से शुरुआत करता हूं, आप सबके लिए छोटी सी कविता पढ़ता हूं, सुनिएगा। बिल्कुल, स्वागत है सर आपका। कि फिर उदय होगा धरा पर सूर्य खुशियों का सुनहरा, फिर खत्म होगा मनुजता पर लगा जो आज पहरा, फिर बजेंगी घंटियां मंदिर मोहल्लों गांव में, फिर सजेंगी महफिलें पीपलों की छांव में, फिर मिलन होगा सभी का परिणय मिलन होंगे सुखद। हे मन बस धैर्य रख तू, हे मनुज तू धैर्य रख। और जितेंद्र जी, किसी को भी निराश होने की जरूरत नहीं है, फिर से हम लोग, क्या बात है सर, फिर से हम लोग अपने पुराने ही मोड में चलेंगे, निश्चित रूप से चलेंगे। सुनिएगा। बिल्कुल। खेत खलिहानों में फिर से गीत जीवन के बजेंगे, हाट बाजारों में फिर से मस्तियों के गुल खिलेंगे। और खिलेंगे, क्या कहने कि चाट फुल्की और समोसों की लगेंगी रेड़ियां, फिर गली नुक्कड़ मोहल्लों में छिड़ेंगी मस्तियां। सुनिएगा सर। फिर गगन का यान उड़कर नाप लेंगे आसमां तक, फिर हमारी रेल दौड़ेगी शहर से उस शहर तक। आज तुम हो दूर हम हैं, दूर ये माना दुखद, रात गर जो आज है निस
निश्चित सबेरा कल सुखद फिर खिलेंगे फूल खलियां, फिर खिलेंगे फूल कलियां, एक नया अध्याय होगा साथ हम मिलकर चलें तो ये जहां आबाद होगा। और जितेंद्र जी कहेगा कि फिर जलेंगी होलिका, दीप उत्सव फिर मनेंगे, बंद जो है द्वार वो द्वार निश्चित ही खुलेंगे, युद्ध निश्चित जीत लेंगे, युद्ध निश्चित जीत लेंगे, इस कोरोना के कहर से फिर फिजा रंगीन होगी, नव युगल नव गीत स्वर से फिर न होगी रात सहरों में, न सूरज अस्त होगा। हे मनुज तू धैर्य रख, तू ये कोरोना पस्त होगा, हे मनुज तू धैर्य रख, बस ये कोरोना पस्त होगा। तो ये तो बात है कोरोना की, बस यही कहना चाहता हूँ कि सब लोग धैर्य रखें, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। जी क्या बात है राकेश जी, बहुत ही उम्दा। और जैसे ही मैं इस गजल को सुन रहा था तो आपने जिस तरन्नुम में पढ़ा राकेश जी, तो रोंगटे खड़े हो गए। और जो समोसों की आपने बात की है, जो गोलगप्पों की बात की है, जिस तरीके से निश्चित रूप से बहुत छोटी बातें हैं राकेश जी, जिस तरीके से जीवन जिस पटरी पर रहता है वो उसी पटरी पर अच्छा लगता है, वो कहीं भी इधर या उधर अच्छा नहीं लगता है। ट्रेन, रेलगाड़ी अगर अपनी पटरी से एक इंच भी इधर उधर हो जाए तो उसमें पलटने का खतरा रहता है राकेश जी, वैसे ही जीवन सिर्फ मुसलसल चलते रहने का नाम है। बहुत उम्दा पढ़ा आपने। मैं एक बात जानना चाहूंगा कि ये इस कविता का प्रेरणा स्रोत जो है, जो इंस्पिरेशन है, वो कहां से मिली आपको? असल में सर, अगर देखा जाए तो बिल्कुल भी मेरा लिटरेचर फील्ड नहीं है। बाय प्रोफेशन मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, एक इंडस्ट्री में मैं एज ए जनरल मैनेजर कॉर्पोरेट क्वालिटी एश्योरेंस सर्विस करता हूं। बट हिंदी साहित्य में मेरा बचपन से रुझान रहा है, एक तो ये मेरी मदर टंग है, मेरी मातृभाषा है, तो शुरू से ही बचपन से ही कुछ लिखना पढ़ना ये मेरा पैशन रहा है, तो बस कुछ जो समझ आता है लिखता हूं। जी। जी इसको बड़ा गुनगुनाते रहना चाहिए हमें, ताकि हम जो है वो निकट भविष्य में ये देख सकें कि किस तरीके से जिंदगी पटरी पर लौटेगी, कि हर काली रात के बाद में सुबह आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, बहुत अच्छा लगा। अब कुछ और हम आपसे सुनना चाहेंगे, क्योंकि अभी आपने हमारी जिज्ञासा को बढ़ा दिया है थोड़ा सा, और अभी हम चाहेंगे कि तरन्नुम में फिर कुछ आप हमें सुनाएं। बस आपकी इस महफिल के लिए कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, क्योंकि जितेंद्र जी आजकल कविता लोग सुनते नहीं है, देखते हैं, जबकि कविता जो है मनन का विषय है। जब तक हम उसको हम चिंतन नहीं करेंगे, जब तक हम उसको सुनेंगे नहीं, लेकिन आजकल लोग देखने में ज्यादा विश्वास करते हैं। तो लेकिन खैर, आज 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 आपकी इस महफिल के लिए कुछ पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि मैं पढ़ रहा हूं और आपके दिल तक मेरी आवाज जरूर पहुंचेगी। सुनिएगा, ये महफिल जो तुम्हारी है कि जिसमें गा रहा हूं मैं, जितेंद्र जी आप सबके लिए पढ़ रहा हूं, ये महफिल जो तुम्हारी है कि जिसमें गा रहा हूं मैं, हमारे दिल के जज्बातों को बस बतला रहा हूं मैं, मुकम्मल स्नेह का रिश्ता रहे कायम हमेशा ही, यही अरमान अपने हैं जिसे बतला रहा हूं मैं, यही अरमान अपने हैं जिसे बतला रहा हूं मैं। अच्छा, मेरी एक ख्वाहिश है आपके बीच में आज मैं रखता हूं, जितने भी हमारे श्रोतागण हैं, तो मेरी ख्वाहिश छोटी सी है, मुझे उम्मीद है कि जरूर आप सब पूरी करेंगे। सुनिएगा, लेकिन मेरी ख्वाहिश क्या है मैं आपको बताता हूं
कि मेरी ख्वाहिश नहीं है कि तेरा हमराज बन जाऊं, मेरी ख्वाहिश नहीं है कि तेरा हमराज बन जाऊं, नहीं है चाह मेरी कि तेरे सपनों में मैं आऊं। मेरी तमन्ना क्या है सुनिएगा, कि कैसे इतनी तमन्ना है कहीं मिल जाए घर दोनों, यही मुस्कान मैं देखूं तुम्हें जो याद मैं आऊं, यही मुस्कान मैं देखूं तुम्हें जो, बस यही चाहता हूं कि जब भी कभी आप मुझे याद करें तो आप मुस्कुराएं, मेरी इर्जा है। क्योंकि जितेंद्र जी आजकल तो प्यार बहुत नए तरीकों से परिभाषित हो रहा है, क्योंकि जब देखिए कुछ भी है, चाहे गीत है तो ये कविता हो चाहे गीत हो या वो सब साहित्य जो है समाज का दर्पण होता है, लेकिन जब आज के वर्तमान परिवेश में जब गीत बनने लगे कि इस जमाने में हसीनों की नहीं है कमी, तू नहीं और सही, हाँ कोई और सही, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव भी पड़ेगा। लेकिन प्रभाव पड़ता है, मैं जो प्यार समझता हूँ वो मैं हाँ जी। प्यार को अपने तरीके से परिभाषित करता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है सर। मेरी पहचान तुमसे हो तुम ही पे हो खत्म जीवन, मेरी पहचान तुमसे हो तुम ही पे हो खत्म जीवन, जीवन तेरे पहलू में बस जाऊं, मिले तुमसे मेरा तन मन, रहे ना फासले ना दूरियां हो दरमियां अपने, खुले आंखें तुम्हें देखूं तेरी आंखों में बस जाऊं, खुले आंखें तुम्हें देखूं तेरी आंखों में बस जाऊं। अच्छा, आजकल कोरोना लॉकडाउन है, सब लोग एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन हम जब कभी मिले हैं तो आपका जो एहसास है वो तो जिंदा है ही है, तो हमें उसके एहसास के साथ में रहना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। तो सुनिएगा कि तेरे एहसास की दौलत जो मेरे पास सिंचित है, तेरे एहसास की दौलत जो मेरे पास सिंचित है, तेरे वादों की पूंजी जो मेरे जन्मों की मन्नत है, तेरी धड़कन बसी है दिल में मेरे आज भी सुन लो, कहीं आसे न थम जाए मिलन की आस बाकी है, कहीं आसे न थम जाए। अच्छा जितेंद्र जी, मोहब्बत तो आपको भी है, अगर मोहब्बत ना होती तो आप मुझे नहीं ढूंढते। अरे सर, मोहब्बत भी है, मोहब्बत, अदरवाइज सब लोग हमें सुनते नहीं, तो सुनिएगा कि मोहब्बत है तुम्हें भी, सुनिएगा कि मोहब्बत है तुम्हें भी, मान लो या पूछ लो खुद से, आपके दिल से पूछ लीजिएगा कि मोहब्बत है तुम्हें भी, मान लो या पूछ लो खुद से, धड़कता है हमारा दिल तुम्हारे दिल की धड़कन पे, तुम्हें मालूम है कि तुम मेरे हो और हम तेरे, चले आओ मेरे सरगम अभी संगीत बाकी है, बाकी है, चले आओ मेरे सरगम अभी संगीत बाकी है। अच्छा, इस गीत इस गजल का अंतिम मिश्रा पढ़ रहा हूँ, जो सच्चा प्यार मैंने कहीं पढ़ा था कि सच्चा प्यार वही है जिसकी तृप्ति आत्म बल पर हो निर्भर। तो अगर मैं इस शब्दों को चरितार्थ करने में सफल हुआ हो, मेरी लेखनी सफल हुई हो, तो आप जरूर अनुमोदित करिएगा कि मेरा अपराध, सुनिएगा कि मेरा अपराध इतना है कि मैं हर सांस में तेरी, मेरा अपराध इतना है कि मैं हर सांस में तेरी, वफाओं को सजोया है सहे जा है तहे दिल में, अगर ये भी खता है तो बता दो ऐ मेरे हमदम, खत्म कर दूंगा सांसों को सुकून आए अगर तुमको, खत्म कर दूंगा सांसों को सुकून आए अगर तुमको। धन्यवाद जितेंद्र जी, ये कुछ प्यार बात है, बहुत की गजलें हैं, बहुत अच्छे राकेश जी, जी बहुत अच्छे, थैंक यू सर। राकेश जी, शायर एक्चुअली क्या है, वो समाज को बांधने का काम करता है,
जैसे आप तरन्नुम में पढ़ रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप माने कि जो एहसास मसरत है वो बिल्कुल आकाश को छू रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आदम गौडवी साहब ने लिखा कि भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, या आदम को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो, और जो गजल माशूक के जलवों से वाकिफ हो चली उसे अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। तो शायर जो सफर करवाता है लोगों को कहां से कहां तक का, तो आपकी शायरी में बखूबी वो हमें दिखाई देता है। तो राकेश जी, मैं जानना चाहूंगा कि आजकल जो नौजवान जो लिख रहे हैं, आप कैसे उन्हें देखते हैं कि वो किस तरीके से लिख रहे हैं? मैं कई बार मैंने ये भी देखा कि बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण भी हो जाता है, हिंदी में बहुत सारे उर्दू के शब्द भी लगा देते हैं। नहीं देखिये, उर्दू और हिंदी तो दोनों सगी बहने हैं। हमारा देश जो है वो विविधता में एकता का प्रतीक रहा है। अब ठीक है, आज के वर्तमान परिवेश में कुछ बातें अलग हुई हैं, चूंकि समय कम है, नहीं तो कभी मैं उस परिदृश्य के ऊपर भी बात करता, लेकिन मैं ये मानता हूं कि विविधता में एकता ही हमारी पहचान है। आज आप 50 किलोमीटर दूर चले जाइए, वहां पे कुछ ना कुछ आपको अलग मिलेगा। एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश में जाइए तो यही तो हमारी क्वालिटी है। और हिंदी और उर्दू तो दोनों सगी बहने हैं। मैं तो ये मानता हूं कि बिना उर्दू के हिंदी पूर्ण नहीं है, बिना हिंदी के उर्दू पूर्ण नहीं है, दोनों ही क्या बात एक जैसे हैं। और भाषा तो बिल्कुल हमको जोड़ती है, भाषा कभी हमें तोड़ती नहीं है। तो अगर वो मिक्स करके लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राकेश जी, हमारे नौजवान भी बहुत सारे आपको सुन रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि हमारे लिखने की जो प्रेरणा होती है वो या तो इश्क में होना होता है या इश्क में धोखा खाना होता है। तो आप इसमें एक बड़ी बारीक सी रेखा है, आप कहीं कुछ इस पर रोशनी डाल पाए मेरे दोस्तों के लिए? असल में सर देखिए क्या है कि इश्क तो बहुत पाक चीज है। देखिए, मैंने पहले ही कह दिया ना कि मेरी ये थॉट प्रोसेस है कि जैसे हम कह लेना कि इस जमाने में हसीनों की नहीं है कमी, तू नहीं और सही, हाँ कोई और सही। हमारे कवियों ने लिखा कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्त आत्म बल पर हो निर्भर। तो प्यार ऐसा नहीं कि हम पा लें, प्यार तो समर्पण है। तो अगर हम समर्पण कर रहे हैं तो इसका मतलब हम प्यार कर रहे हैं। तो अगर समर्पण की भावना है तो निश्चित रूप से हमारी कलम चलेगी और सही दिशा, वो एक अंदर से निकल के, जैसे हम अभी देख पा रहे हैं कि बिल्कुल हम आपकी शायरी की खुशबू से सरोबार हो चुके हैं सभी। तो राकेश जी, एक रचना हम और चाहेंगे कि आप अभी हमें सुनाएं कुछ, एक गजल नज़म किसी भी। गजल पढ़ता हूं तो स्वागत है, स्वागत है राकेश। इसका ये भी आज के वर्तमान परिवेश के ऊपर ही है। मिश्रा ये साहब की, अजीब सा मंजर अजीब सा समय है। सुनिएगा साहब की, अजीब सा मंजर अजीब सा समय है, हर तरफ फरेब का धुआं है। मिश्रा ये साहब की, अजीब सा मंजर अजीब सा समय है, मंजर अजीब सा समय है, हर तरफ फरेब का धुआं है। नकाबपोश दोस्ती झूठी मासूमियत, केस फरेबी दुनिया में पाक इश्क कहां है। और मिश्रा ये साहब की, अजीब सा मंजर अजीब सा समय है, एक मिसरे में पूरी कहानी आपने बयां कर दी, बहुत बहुत खूबसूरत। सुनिएगा सर कि तमाम तमाम मजलूम लोगों से शहर पटा पड़ा है। सुनिएगा कि तमाम तमाम मजलूम लोगों से शहर पटा पड़ा है, आंखों में समंदर सा आंसुओं का जलजला है, और पीर की मजार पर ठंड से फना हुए जाने कितने केस। सुनिएगा जितेंद्र जी कि पीर की मजार पर ठंड से फना हुए जाने कितने केस, वहीं जहां रेशमी चादरों का मजमा है, अजीब का मंजर अजीब सा समय है। और सुनिएगा कि आजकल लोग यूज एंड थ्रो करते हैं, मतलब उसको यूज किया और फेंक दिया। तो सुनिएगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो बाप जिसकी उंगली पकड़कर चलना सीखा, वो बाप जिसकी उंगली पकड़कर चलना सीखा, जिसकी सोबत की रंगत में हंसना और रोना सीखा, उसकी झुकी कमर देख के क्यों नजरें फेर लेते हैं लोग। केस ये नए जमाने का दस्तूर, नया फलसफा है। और साहब मिश्रा, ये एक अजीब सा मंजर अजीब सा समय है। अरे क्या बात, बहुत अच्छी। किसी के जान की कीमत वो क्या जाने केस, किसी के जान की कीमत वो क्या जाने केस, जिसका हाथ और मुंह आदम खूनों से सना है,
मरते ही नोच लेते हैं नाक के फूल को दुनिया, मरते ही नोच लेती है नाक के फूल को दुनिया। टूर्नामेंट होता है, महिलाएं पहनती हैं कि मरते ही नोच लेती है नाक के फूल को दुनिया। ये अजीब सा प्रेम और वो अजीब सा रहनुमा है और अजीब सा मंजर, अजीब सा समय है। क्या बात है कि सुनिएगा सर, कि तपती गर्मी में झुलस जाता है बदन जाने कितनों का, कि तपती गर्मी में बदन झुलस जाता है जाने कितनों का, जाने कितनों का। ठंडी रातों में फना हो जाती है रूह जाने कितनी, गर्म कमरों और लिहाफों में मैंने देखा है कुत्तों को भी। आप विडंबना देखिएगा समाज की, बहुत सुंदर, कि गर्म कमरों और लिहाफों में मैंने देखा है कुत्तों को भी। अजीब सा शौके फितरत और अजीब सा नशा है और अजीब सा मंजर, अजीब सा समा है। सुनिएगा साहब, कि जिसे इल्म ना था, जिसे इल्म ना था दीने इलाही की भर भी, वो आजकल रहनुमा और खुदा है। लोग बैठ के फरमान जारी कर देते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, उनके लिए कहता हूं, क्योंकि उनको बेसिक्स, उनको नहीं पता है कि गरीब की क्या दशा है। तो पढ़ता हूं, सुनिएगा, कि जिसे इल्म ना था दीने इलाही का रत्ती भर भी, वो आजकल रहनुमा और खुदा है। पीर की इबादत में खप गई है जिंदगी जिसकी, वो शख्स आज खौफ और गमजदा है, खौफ में और गमजदा है, और अजीब सा मंजर, अजीब सा समय है, अजीब सा मंजर, अजीब। क्या बात है, क्या बात है राकेश जी, बहुत बढ़िया। आपने जिस सच्चाई को जिन लफ्जों में, जिन शब्दों में आपने ढाला है, वो एक शायर की ताकत है राकेश जी। तो आप हमें बताइए कि जिंदगी को, अभी एक जो समय आ गया है, इसमें कहाँ से ताकत लाएं? हर आदमी मानसिक रूप से, हमें जहनी तौर पर हमें ऐसा लगता है कि कमजोर है। क्या आप कहना चाहेंगे लोगों को? मैंने पहले ही पोएट्री में कहा, लेकिन फिर से दो लाइन पढ़ता हूँ, कि हर सुबह एक नया संदेश है जीवन सुलभ, खत्म तो होना ही था रात सा दुर्गम सफर। ये जो रात है जब हम बात कर रहे हैं, तो निश्चित ही बीतेगी और कल सुबह होगी। तो हर सुबह एक नया संदेश है जीवन सुलभ, खत्म तो होना ही था रात सा दुर्गम सफर, ना मिली गर मंजिलें जो आज तक, चल चला चल लक्ष्य की ही राह पर। हमें कभी धैर्य को खोना नहीं है, बस अपने कर्म को करना है। गीता में भगवान ने कहा है कि कर्मणाधिकारस्ते मा फलेषु तदाचन। तो भगवान ने कहा है कि हमें सिर्फ अपने कर्म को करना है, हमें कोरोना से बचाव की कोशिश करना है। बाकी तो अगर हम बचाव करेंगे तो निश्चित रूप से हम सफल रहेंगे, हमें कुछ तकलीफ नहीं आएगी और आगे की जिंदगी हमारे लिए बिल्कुल। जी जी बिल्कुल राकेश जी, बिल्कुल राकेश जी, बिल्कुल राकेश जी, क्या सफर है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सफर थमे नहीं, आपको सुनते ही रहे हम लोग, लेकिन समय सीमा से बंधे हुए। राकेश जी, कार्यक्रम का अंजाम आपकी एक रचना के साथ में हम लोग करना चाहेंगे, कुछ भी आपकी तरफ से। एक मुझे लगता है कि मैंने श्रृंगार रस पढ़ दिया, वर्तमान परिवेश का अब एक छोटा सा व्यंग पढ़ता हूँ, आपके चेहरे पे मुस्कान भी लानी चाहिए क्योंकि सब लोग थोड़ा टेंशन में है। एक मेरा छोटा सा व्यंग है, सुनिएगा। आप सब लोग सब्जियां खाते हैं, मेरा व्यंग है काफी यूनिक है, आप लोग मुझे उम्मीद है कि पसंद करेंगे। आप सब लोग सब्जियां खाते हैं, आपको जितेंद्र जी कौन सी सब्जी पसंद है? सर हम तो मिडिल क्लास फैमिली के हैं, पसंद का तो चॉइस तो हमारे लिए रखी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग सही कह रहे हैं भिंडी, जैसे भिंडी और आलू है। बस अब आप भिंडी और आलू को कंसंट्रेट करना। एक मेरा छोटा सा व्यंग है, सब्जियों के उस व्यंग पढ़ा कि जिसे हम लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं ना, एक बार ऐसे सब्जियों के बीच में फाइट हो जाती है, और फाइट का मुद्दा ये होता है कि हमारा नेता कौन। ठीक है सर, और उसी दरमियान मैं पहुंच जाता हूं। तो मेरा व्यंग शुरू हो जाता है कि सब्जियों की सभा में बड़ी गहमा गहमी थी, कौन है सर्वोपरि। अच्छा, इस बात पर ठनी थी कि सब्जियों की सभा में बड़ी गहमा गहमी थी, कौन है सर्वोपरि, इस बात पर ठनी थी। आलू जी ने सबसे पहले अपना परचम लहराया, अपनी गुणवत्ता को अपने शब्दों में बताया। क्या बताया, ध्यान दीजिएगा। आलू जी कहते हैं कि मेरे बिना तुम सब अधूरे हो, कहे देता हूँ, अमीर हो या गरीब सबका चहेता हूँ, हर मौसम मेरी डिमांड उतनी ही रहती है, इसके लिए तो हर मौसम बिकता हूँ। आलू की बात सुन बैगन गुर्राया। क्या कहने हैं जी, आलू की बात सुन बैगन गुर्राया। अरे आलू भाया,
काहे झूठा दम भरते हो, अपनी गुणवत्ता की तारीफ खुद करते हो, तुम्हें खाने से तुम लोग डरते हैं, जो खाते हैं यकीन मानो डॉक्टरों का बिल भरते हैं, मुझे देखो मुझे, बैगन कहता है कि मुझे देखो मुझे, मैं पैदाइशी राजघराने से हूं, मेरे सर का मुकुट इस बात का सबूत है, बाकी सब झूठ है। बैगन के सर पे मुकुट है ना, तो मेरे सर बिल्कुल, बिल्कुल, बात का सबूत है, बाकी सब झूठ है। अब आपकी फेवरेट सब्जी आ रही है, इठलाती बलखाती पेट वाक करती भिंडी सभा में आई, महिला आरक्षण जोर पे है, तो इठलाती बलखाती पेट वाक करती भिंडी सभा में आई, सारी सभा में सन्नाटा छा गया, असल में भिंडी की खूबसूरती पर सारी सब्जियों का दिल आ गया। भिंडी बड़ी नजाकत से अपनी बात कही, क्या बात है भाई, बड़ी नजाकत से अपनी बात कही, छोड़ो जी तुम सब मर्द से होते हो, बेवजह झगड़ते हो, तुम सबसे निराला है, लोग मुझे लेडी फिंगर कहते हैं, मुझे एक अपनी मासूका की उंगलियों को याद करते हैं। टमाटर पीछे बैठा था, उसकी तरफ कोई देख नहीं रहा था, साहब कुर्सी छोड़ के खड़ा हो गया, उसके बाजू में लाल मिर्ची बैठा था, लाल मिर्च की लात से बैठ गया डर के नाते, लाल मिर्च गुर्राया, अरे तुम लोग मेरी सेहत और साइज पे मत जाओ, मैं छोटा हूं ऐसा तुम मेरी कोई लायकियत नहीं, ऐसा नहीं, मिर्च कहता है कि तुम लोग मेरी सेहत और साइज पे मत जाओ, अपनी मुझे देख बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं, जो गलती से मुझे खाते हैं सुबह होते ही वॉशरूम में पछताते हैं। क्या कहने, बहुत कूल, आप गोभी और टिंडे में जम के लड़ाई हुई, मैं शिमला मिर्च का सर फूटा, कद्दू की पिटाई हुई, कद्दू गिरता पड़ता फिर से खड़ा हो गया, जाके लाल मिर्चे से भिड़ गया, बोला अबे मिर्चे अपनी साइज तो देख, तू छोटा सा है, तू तो बस जहर उगलता है, लोगों को बीमार करता है, मुझे देख मेरे चिकने बदन को देख, मैं सब्जी सम्राट हूं, ब्राह्मण भोजों की ठाट हूं। अब मेरी कविता व्यंग तक अगर आप सब पहुंचे तो बताइएगा कि मित्रों सारी सब्जियां आपस में झगड़ रही थी, बस एक लौकी, लौकी आप जानते हैं कोई कोई इसको दूधी कहते हैं, कि बस एक लौकी थी जो पीछे बैठी थी, स्थिति को बिगड़ता देख और रो पड़ी, अपनी मनोदशा कुछ इस तरह कही, क्या कही सुनिएगा, कि अरे ओ सब्जियों तुम सब क्यों मनुष्यता की परिचायक हो गई हो, हम सब सब्जियां हैं मनुष्य नहीं, हमारा लड़ना झगड़ना काम नहीं है, हम तो अपनी आत्म बल देकर लोगों की भूख मिटाते हैं, इंसान नहीं मनुष्य नहीं, जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर जाते हैं, अरे क्या कह रहे हैं, नहीं जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, क्या बात है राकेश जी, यकीन माने, अरे क्या बात है राकेश जी, यकीन मानिए कि ये जो आप की रचनाओं का जो सफर है ये निरंतर चलने वाला है, अभी हम इस कार्यक्रम को विराम दे रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया, और श्रोताओं का बहुत 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 शुक्रिया, श्रोताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए, सिटी लाइव के शब्द संसार कार्यक्रम से जुड़ते रहिए, और नई रचनाओं के लिए देखते रहिए सिटी लाइव शब्द संसार कार्यक्रम, दिल से राकेश जी आपका पुनः एक बार बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद धन्यवाद। सिटी लाइव, अ प्लेटफॉर्म टू शेयरिंग योर थॉट्स।